का फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव फेस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे फिर से। जैसे जैसे मैं आपको सॉफ्टवेयर्स के नाम बता रहा हूँ, उनको कैसे यूज़ करना है मैं उनको भी बता रहा हूँ। जैसे हमने टिंकर कैट देखा हाउ इट्स वर्क, वैसे ही एक सॉफ्टवेयर है फ्रिटजिंग। ओके, सो फ्रिटजिंग को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फ्रिटजिंग को ओपन किया है अपने फोल्डर्स में और ये यहाँ पे क्रैक्ड है ये। सो आपको फ्रिटजिंग में मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे और आपको वर्किंग समझाऊँगा। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टिंग द फ्रिटजिंग। सो इसमें एक डिसअपॉइंटमेंट है कि आप यहाँ पे सिमुलेशन नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक फैक्टर आता है कि जब आप सर्किट को इंटरकनेक्ट करेंगे तो आपको सिमेट्रिक डिज़ाइन और पीसीबी डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, बट एक डिसपॉइंट भी है कि हम यहाँ पर उसको एज अ सिमुलेट नहीं करा सकते। दैट इज़ द डिसअपॉइंटिंग ऑफ द फिटजिंग। सो बेसिकली यहाँ पे हमें आपको फाइल देखने को मिलता है जो नॉर्मल हर सॉफ्टवेयर में होता है, एडिड ऑप्शंस, पार्ट, व्यू, विंडो एंड हेल्प। देन हमारा यहाँ पे ये नॉर्मल फेस वेलकम पेज है, देन ब्रेडबोर्ड है, सिमेट्रिक है, पीसीबी एंड कोड। ओके, कोडिंग भी आप कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे वेलकम के बाद हम ब्रेडबोर्ड पे जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेडबोर्ड ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, हम इसको डिलीट करते हैं। फिर मैं यहाँ से बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं तो मैं आपको यहाँ पे आर्डिनो को लेके आऊँगा। आप यहाँ पे लाइब्रेरीज को अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आर्डिनो मैंने टैप किया तो डिफरेंट टाइप्स के आर्डिनोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो सारे आ जाएंगे लाइब्रेरीज के। ओके, इट्स टेकिंग सम टाइम। ओके, सो यहाँ पर हम इसको टाइम देते हैं। फिर यहाँ पे जैसे हम यहाँ आर्डिनो विद ईथरनेट स्पार्क फन वाले को टैप करके यहाँ पे पुट करता है। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एसडी कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शंस है। ओके, एंड मैं आपको और ये है हमारा ब्लू आईओटी। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप यहाँ पे कंपोनेंट्स को लेके आ सकते हैं एंड उन पे आप वर्क कर सकते हैं। ओके, मैं इसको सिमेट्रिक में दिखाऊंगा तो सिमेट्रिक में आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा एंड पीसीबी फॉर्मेट में। ये पीसीबी फॉर्मेट में मतलब ये अगर आप किसी कॉपर बोर्ड पे इसको इंसर्ट करना चाहते हैं कि इनकी पिंस को यूज़ करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आपको हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे लेयर्स भी हैं, बोथ लेयर्स, कॉपर लेयर, बॉटम लेयर। सो ये पीसीबी डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। अभी आपको समझना है कि किस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें सॉइल मॉइस्चर सेंसर कनेक्ट करता हूँ तो ये इसमें वीसीसी को कनेक्ट कर देते हैं, वीसीसी पे दैट इज़ 5 वोल्ट। ओके, ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं ग्राउंड से एंड सिग्नल पे। तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर एक तरह से एनालॉग वैल्यू जनरेट करता है तो इस वजह से हमने इसको एनालॉग पे कनेक्ट किया। ओके, फिर आप सिमेट्रिक पे जाएंगे तो आपको सिमेट्रिक में चेंजेस देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस आईसी। ओके, सो दिस आईसी एंड पीसी में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पिंस आ गए उस आईसीज के, तो आप इसका यूज़ करके कर सकते हैं। और यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जैसे as include arduino dot h okay void setup फिर आपको कॉलम बन वॉइड लूप
कॉनन ओपन कॉनन क्लोज। तो इतना ही। आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।